मानव जीवन की सार्थकता सिर्फ मानव होने में नहीं है, बल्कि मानवीय बनने में है। और मानवीय तभी बना जा सकता है जब हम किसी के लिए सच्चे दिल से कुछ करें। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हमने 28 जनवरी 2016 को श्रीमान राज त्रिवेदी के नेतृत्व में करके देखो अच्छा लगता है ग्रुप की शुरुआत की। हमने सुना था कि भूखे पेट भजन ना होवे गोपाल। इसी बात को सार्थक करते हुए हमने शुरुआत की हमारे घरों से खिचड़ी बनाकर शहर की सड़कों पर बसते लोगों में बांटने से। लोगों की क्षुधा शांत करके दिल को ढेर सारा सुकून और अनगिनत दुआएं मिलने लगी। हमारा काम देख के काफी सारे दोस्त और रिश्तेदार हमारे साथ जुड़ने लगे और चंद लोगों से शुरू हुए ग्रुप ने एक बड़ा रूप ले लिया था। हमारे साथ काफी लोग जुड़ गए थे, इसीलिए हमने अपनी सेवा का दायरा बढ़ाने का निश्चय किया और हमने स्लम स्कूल, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम वगैरह जैसे संस्था में काम करना शुरू किया। दूसरे शब्दों में कहे तो हमने उस संस्थाओं की समस्याओं को गोद ले लिया था। हम स्लम स्कूल और अनाथाश्रम में बच्चों की एजुकेशन फी, मेडिकल एक्सपेंस, उनको स्कूल बैग, बुक्स, नए कपड़े जैसी कोई भी जरूरत एवं संस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सभी जरूरत पूरी करने लगे थे। वृद्धाश्रम में संस्था की कोई भी जरूरत और वहां के बुजुर्गों के लिए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स अरेंज करने लगे थे। कह सकते हैं कि उनकी सभी समस्याओं और कोई भी जरूरत की जिम्मेदारी हमने अपने कंधे पे उठा ली थी। हमने जो सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा काम होने लगा था, लेकिन हमारा लक्ष्य तो था कि हम जितने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सके उतना कम ही है। इसलिए हम अलग अलग क्षेत्र के एनजीओ के साथ जुड़ते गए और सेवा के सभी काम करने लगे। कोरोना पेंडेमिक के दौरान हमने रोज के हजारों फूड पैकेट्स बनाकर लोगों को भोजन पहुंचाने की व्यवस्था भी की। सिर्फ खिलाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन लोग काबिल बने वही हमारा मकसद है। इस हेतु हम वेकअप टू ड्रीम से जुड़ के माइंड ट्रेनिंग के सेशंस लेते हैं। कैंसर या कोई भी बीमारी के इलाज एवं ऑपरेशन की खर्च की व्यवस्था करते हैं। ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए राइटर्स अरेंज करते हैं। गंभीर बीमारी से जूझने के लिए आपातकालीन समय में ब्लड की सुविधा करवाते हैं। अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ हर त्यौहार का सेलिब्रेशन भी करते हैं और खुशियाँ उनसे ज़्यादा हमें मिलती है। हम किसी भी निसंतान और अशक्त बुजुर्ग को भोजन सेवा प्रदान करते हैं। हर रविवार को अलग अलग बस्ती में कपड़े, स्लीपर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इत्यादि चीज वस्तुओं का वितरण करते हैं। हम वृक्षारोपण करके उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उठाते हैं। संक्षिप्त में कहें तो हम सेवा शब्द से जुड़ा कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा एकमात्र ही मकसद है। हम मानते हैं कि हम तो सिर्फ एक चरिया है, एक पुल है, और हम चाहते हैं कि ये पुल आप जैसे लोगों से बनता हुआ हर दिन बढ़ता जाए। हमने अभी तक जो भी सेवा कार्य किए हैं उसमें लाखों से ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं, फिर भी हमारे लिए तो एक शुरुआत ही है। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता कर सकें और जीव मात्र का कल्याण हो, उनको इच्छित सुख की प्राप्ति हो। जो खुशी हम सबको करके मिलती है उनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि किसी के लिए बेवजह दिल से कुछ करके देखो अच्छा लगता है। अरे बहुत अच्छा लगता है।